आप जानते हो समाजवादी पार्टी हर संस्था का सहयोग करती है और कोई पहली बार नहीं हुआ है या पहली बार सीबीआई नहीं बुला रही। याद करो नेताजी और हमारे परिवार को कितने दिन सीबीआई के अंदर रहना पड़ा। अगर आप राजनीति कर रहे हो और पीडीए के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में। 10 साल के बाद भी इतने घबराए हुए लोग, और मैं आपसे कह रहा हूं कि यूपी से आए थे, यूपी से ही जाएंगे बाहर। अगर 2014 में आए थे तो उत्तर प्रदेश की जनता 2024 में इन्हें बाहर कर देगी। क्या देश के लोगों की आंख थोड़ी बंद है? क्या देश के लोगों को नहीं दिखाई दे रहा क्या आप चंडीगढ़ के चुनाव को जीतने के लिए बैलेट पेपर पे क्या वोट डलवाए आपने? वोट को खराब किसने किया? अगर बैलेट से वोट ना पड़े होते और सीसीटीवी कैमरा ना होता तो वो भारतीय जनता पार्टी की चोरी और वोट की डकैती पता नहीं लगती। जो वोट की लूट पता लगी है वो बैलेट पेपर की वजह से बची है। क्या देश की जनता नहीं देख रही है कि हिमाचल में एक मुख्यमंत्री को एफआईआर लिखानी पड़ रही है? क्या ये परिस्थितियां आपने कभी पहले देखी होंगी? तो ये जो चीजें आप देख रहे हो समझ आना चुनाव से पहले, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ की तरह काम करते हैं और आपसे बेहतर कौन जानता है। आपके आपके कई चैनल हैं जो बिग गए, इन्हें भी सीबीआई आई थी एक जमाने में। बताओ वो चैनल बिग गए नहीं बिग गए? 80 में 80 हारेंगे इस बार और तभी वो चिंतन कर रहे हैं कि सीटें बदली जाए एक के सिवाय, वो भी सीट अपनी बदलना चाहते। सर सीबीआई के समन पर आपका जवाब सर, उसको लेकर चर्चा हो रही है जब से समन है तब से। देखिए जहां से आपको सूचना मिली है कि समन किया गया है वहीं से सूचना ले लीजिए कि मैंने जवाब क्या दिया है। ये समाजवादियों का काम नहीं है कि उससे लाभ उठाए, ये आपको सूचना दे दे कि हमने क्या जवाब दिया है। जिस जगह से आपको ये सूचना मिली है, समन आया है या सीबीआई ने हमें दिया, जब सीबीआई ने पहला समन किया दूसरा किया तो आपको हमारी तरफ से तो खबर नहीं मिली। जहां से भी आपको फीडबैक मिला है, जहां से भी आपको फीड किया गया है वहीं से पूछ लो कि मैंने जवाब क्या दिया। सवाल ये है कि संबंध को लेकर जो बात हो रही है उसमें आप जाएंगे या आपका वकील जाएगा? नहीं, मैंने जवाब दे दिया ना, ये काम हमारा नहीं है कि मैंने जवाब क्या दिया उसको लीक करें। ये लीक करने का काम बीजेपी करती है। आपको अभी भी नहीं पता लगा लीक में 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया? और मैंने फिर बताता हूं गणित, 60 लाख बच्चे जिनको आपने नौकरी देने का वादा किया था नौकरी नहीं दे रहे हैं, जिनका पेपर लीक हो गया है, 60 लाख बच्चे और केवल उनके माँ बाप पिता पुत्र पिता और माँ को अगर हम गणित लगा लें तो 3 × 60 लाख क्या हुआ? 1 करोड़ 80 लाख। और 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम डिवाइड करते हैं 80 लोकसभाओं में तो 2,25,000 लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, वोट कम हो गया। ये घबराहट है बीजेपी को कि 1 लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया। किस मुंह वोट मांगेंगे? विधायक खरीद सकते हो, जनता नहीं खरीद सकते आप। विधायक को पैकेज दे सकते हो, विधायकों को पैकेज दे सकते हो। सर एनएलबी का भी वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें भी जो है लीक हो चुका है। अरे मैं तो कह रहा हूँ हर चीज लीक करते हैं बीजेपी को, हर चीज लीक करते हैं। सर जो विधायक इधर से गए उधर सीबीआई के जरिए वो भी हमारे पार्टी के लीक कर लिए, दो विधायक लीक कर लिए। वो जाए, देखिए ऐसा है जो राम जी प्रभु राम जी का दर्शन करने जा रहे हैं उन्हें किसी ने नहीं रोका। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, हमने कभी भी किसी को नहीं रोका। और चाहे कोई भी स्टेटमेंट दे रहा हूं आपके चैनलों पर, आप वो रिवाइंड करिए, देखिए आर्काइव में होगा आपका वीडियो। जब प्रभु भगवान सालिग्राम पार्टी कार्यालय में आए थे तो बताओ हर विधायक ने पूजा की थी नहीं की थी? मैंने करवाई थी पूजा की नहीं करवाई थी? बताओ करवाई थी कि नहीं करवाई थी? और प्रेस भी मैंने उन्हीं से करवाई थी, याद है कि नहीं याद है आपको? मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा।